हाय गाइस, वेलकम टू पीके गेमिंग। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक नया एपिसोड। तो आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपने GTA San Andreas में जेट मेन्यू का मोड कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस, जो हमारे GTA San Andreas के जेट मेन्यू का लाइक GTA 5 की तरह है, और गाइस आप इसे GTA 5 की जेट मेन्यू की तरह यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जितने फीचर्स हैं वो भी आपको GTA 5 वाले जेट मेन्यू की तरह देखने को मिलेंगे। तो गाइस बहुत ही सिंपल है इंस्टॉल करना, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो गाइस, चेट मेन्यू इंस्टॉल करने के लिए हमें चाहिए होगा CLU मोड और चेट मेन्यू। तो इन दोनों फाइल्स का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर अपने से डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद आपने ऐसे एक्सेप्ट कर लेना है और ओपन करते हैं हम इसे। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है CLU। तो गाइस CLU बहुत ही इंपॉर्टेंट है चिट मेन्यू इंस्टॉल करने के लिए। तो गाइस आपने इसे ओपन कर लेना है, और गाइस ये ऑटोमेटिक इंस्टॉलर है। तो फ्रेंड्स, आपके पास कुछ ऐसा लाइसेंस का है तो आपने इसे एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद गाइस यहाँ से आपने सेलेक्ट के बटन पर क्लिक करना है। और गाइस यहाँ पर आपने अपना GTA San Andreas इंस्टॉल किया है, GTA San Andreas गेम, आपने उसे यहाँ से ओपन करके सेलेक्ट फोल्डर कर लेना है। और उसके बाद गाइस आपने यहाँ पे इसे इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस हमारे जो CLU है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो गाइस अब हम इंस्टॉल करते हैं इसमें चिट मेन्यू। तो गाइस हम चिट मेन्यू वाले फोल्डर को ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे हमने RLZ ट्रेनर है ये हमारा चिट मेन्यू। तो इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस। तो फ्रेंड्स, GTA 5 वाला चिट मेन्यू भी तकरीबन ऐसे ही सेम होता है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा कोई इतना फ़र्क भी नहीं है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो गैस यहाँ से आपने अगेन फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है, ऑलरेडी हुआ हुआ है तो गैस नहीं करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना। तो गैस हमारा जो चिट मेन्यू इंस्टॉल हो चुका है। तो गैस स्टार्ट करते हैं अपना गेम, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप चिट मेन्यू को किस तरह से ओपन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस यहाँ पे हमारा जो गेम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो गैस, तो यहाँ पे गैस आपने होने जो की प्रेस करना है वो है गैस F2। और गैस जैसे आप F2 प्रेस करेंगे, आपका जो RLZ ट्रेनर है लाइक चिट मेन्यू GTA 5, तो वो ओपन हो जाएगा। तो गैस उसमें आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, व्हीकल स्पॉनिंग, जनरल ऑप्शन, और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है, वांटेड लेवल ऑप्शन। तो यहाँ पर आप जनरल ऑप्शन में जाएंगे तो गैस यहाँ पर आप लोगों को जैसे नेविगेट करना है, तो गैस वहाँ पे आप लोगों को नंबर पैड का यूज़ करना है, तो उसकी मदद से आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो गैस यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि नंबर पैड में जो एरोज़ हैं हमारे पास 8, 4, 6, 2, तो यहाँ पे आप उससे नेविगेट कर सकते हैं। और गैस आपने इंटर करने के लिए 5 प्रेस करना है, और बैक करने के लिए आपने 0 प्रेस करना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो गैस ये बाकी कंट्रोल हैं, और आप वांटेड लेवल वगैरह भी लगा सकते हैं। और गैस कार, तो गैस यहाँ पे एक्टर स्पॉनिंग है, व्हीकल स्पॉनिंग है। तो गैस हम यहाँ पे व्हीकल स्पॉनिंग में आते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी, बाइक्स है, कार्स है, इसके अलावा ट्रेनर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, बोट, प्लेन, हेलीकॉप्टर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर मैं एक कार स्पॉन कर लेता हूँ। तो गैस यहाँ पर आप लोगों को कार का नाम देखने को मिल जाएगा। तो गैस ये जैसे कि आप लोग देख सकते हो, गैस अगर आप कार स्पॉन करते हैं तो गैस आप कार में एंटर हो करेंगे। तो ये एक अच्छा फीचर है GTA San Andreas में, और क्या GTA 5 में है ऐसा फीचर, और अब आप लोगों को ये फीचर GTA San Andreas में भी देखने को मिल जाएगा। तो इसके अलावा गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप टाइम वगैरह और वेदर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस ये जैसे कि आप लोग देख सकते हो, नाइट है, आफ्टरनून है, और नून है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर वेदर भी है एक्स्ट्रा सनी, और इसके अलावा गैस क्लाउडी वगैरह, आप रेनिंग वगैरह भी देख सकते हैं। और इसके अलावा गैस आप यहाँ से वेपन वगैरह भी स्पॉन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चिट्स हैं गैस, आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो गैस यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को प्लेयर कॉड मोड देखने को मिल जाएगा। तो गैस अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो आपका जो प्लेयर है वो वेस्टेड नहीं होगा, और गैस आपकी जो प्लेयर की हेल्थ है वो भी इन्फिनाइट हो जाएगी। तो गैस
बस यही था आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।